हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो गाइज, आज का प्लान कुछ ऐसा है कि अपन चल रहे हैं जूडियो, और वहां पे अभी भाई एकदम नया कलेक्शन आया। मेरा दोस्त परसों ही गया था तो वो कह रहा था कि भाई जूडियो के अंदर एकदम नया कलेक्शन आया, तो मैं सोचा कि ना अभी चलते हैं और वहां पे जाके देखते हैं, ट्राई करके दिखाऊंगा आप लोगों की कैसे कैसे नया स्टॉक आया और देखते हैं अपन क्या बाय करते हैं। तो डायरेक्टली मिलता हूँ आप लोगों से जूडियो पे। तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ जूडियो, और भाई यहाँ पे एंट्री होते हैं ना एकदम जारा वाली फीलिंंग आती है। ओए होए भाई साहब, देखो स्टार्टिंग में मेरे को क्या मिला। तो ये थी भाई ऑरेंज कलर की टी शर्ट, और इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा सही था, वैल्यू फॉर मनी। ये मैंने पहन के भी देखी थी, काफ़ी सही लग रहा था। बाकी भाई इस बार ना काफ़ी सारे स्वेटर्स भी आए हैं और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। ये मल्टी कलर का जो था भाई, ये भी 900 रुपये का था, और इनका कपड़ा भाई काफ़ी ज़्यादा मोटा था, ठंडे तो इसमें डेफिनेटली नहीं लगने वाली। बाकी इस बार मैंने सोचा कि एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर भी मैं देखूँ, तो ये था भाई 800 रुपये का, इतना कुछ खास मेरे को लगा नहीं। इसके अंदर दो तीन कलर भी थे, बाकी ये वाला जो था 700 का था, एकदम पतले कलर है यार इसके अंदर। स्ट्रिप्स के अंदर लेना चाहते हो तो ये वाला भी आप लोग देख सकते हो, 700 रुपये ही इसका रेट था। इस बार भाई जैकेट भी जूडियो के अंदर आ गई है, तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाली जैकेट थी ना, देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रही थी, और रेट भी भाई इसका बिल्कुल 1000 रुपये था। मतलब डेफिनेटली आप लोग ये वाली पहन सकते हो, और इसके अंदर का जो स्टफ था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटा था। ये वाली टी शर्ट थी भाई 700 रुपये की, वाइट कलर में, और भाई इस बार जॉगर भी मैंने ट्राई करके देखे थे, और जॉगर की क्वालिटी यार एक नंबर है। मतलब जूडियो के अंदर जॉगर आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो, लास्ट में मैंने ट्राई भी किया है तो उसमें मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताई है। बाकी इस तरीके के यार हुड वगैरह आप लोगों को लेना है तो 800 रुपये में मिल जाते हैं। ये वाली टी शर्ट मेरे को इतनी कुछ खास लगी नहीं भाई, 1000 रुपये तो कहीं से इसका रेट नहीं है, पता नहीं क्यों इन लोगों ने लगा दिया। बाकी 800 रुपये के अंदर यार ये वाली हुडी थी, इसके अंदर ना एक कलर और था, वो मैं अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा, वो कलर भाई डेफिनेटली बहुत सही था। बाकी ऐसा मल्टी कलर का स्वेटर लेना चाहते हो तो 900 रुपये का था, एक ही पीस वैसे यहाँ पे था, बाकी आप अपने आसपास वाले जूडियो में देख सकते हो। बाकी 300 रुपये में यार कुछ इस तरीके की टी शर्ट्स वगैरह यहाँ पे मिल रही हैं, बिल्कुल पतली थी यार ये, घर पे पहनने लायक है, तो अगर घर पे आप लोगों को चाहिए तो ऐसा कुछ ले सकते हो। बाकी इस ब्लैक वाले की जैकेट की मैं बात कर रहा था भाई, इसका प्रिंट ना यार काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था, ये तो मैंने बाय भी करी है, और 800 रुपये इसका रेट था यार, बहुत सही रीज़नेबल रेट है। फिर मैंने यहाँ पर ट्राई करी थी भाई ये वाली जीन्स, और ये थी रेगुलर फिट, ठीक है, तो इसका भी रेट 999 था, और काफ़ी ज़्यादा सही था भाई, पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी ये, लास्ट में मैंने पहन के भी दिखाई है। बाकी 200 रुपये में भाई कुछ इस तरीके की आप लोगों को टी शर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाती है। बाकी जूडियो जब भी आना यार, तो ये जो यहाँ पे लगे हुए होते हैं ना डमी, इनके जो आप लोगों को अगर पसंद आता है तो इसी के जस्ट पीछे यहाँ पे पूरा का पूरा सेक्शन लगा हुआ है, इसके अंदर सारे कपड़े वो हैं जो डमी ने पहन रखे हैं। तो भाई ये वाले डमी वाले कपड़े ना भाई सही में बहुत ज़्यादा सही होते हैं, पहन के आप लोग ट्राई करना, फिटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आती है। बाकी इस तरीके की शर्ट्स अगर आप लोगों को लेनी है भाई, गोवा वगैरह जा रहे हो या फिर बीच वगैरह घूमने भी जा रहे हो, तो भाई ये वाली आप ले सकते हो, देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी यार। और फिर ये वाला मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं, बिल्कुल कागज़ के पत्ते जैसा था, तो मैंने इसका रिव्यू भी ज़्यादा कुछ लिया नहीं। 900 रुपये का भाई इस तरीके का स्वेटर थे, बैंगलोर में तो भाई इतनी ठंड नहीं है, बट दिल्ली वगैरह में अगर आप लोग हो तो ले सकते हो। 600 रुपये में कुछ इस तरीके की आप लोगों को टी शर्ट मिल रही है, इसका कपड़ा बिल्कुल पतला था, ठीक है। ये वाली जैकेट इतनी मेरे को कुछ खास लगी नहीं, 900 रुपये था इसका, और हाफ जैकेट थी ये, बट ठीक ठीक है। और ये वाली आप लोग अगर शर्ट लेना चाहते हो तो ये भी काफ़ी ज़्यादा भाई आजकल चल रही है, बट इसका रेट 1000 रुपये, मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। बाकी 800 रुपये में कुछ इस तरीके के भाई पुल ओवर वाले स्वेटर्स मिल रहे हैं, तो इसमें दो तीन वैरायटी के कलर थे भाई, इसमें देखो ये डार्क ब्लू वाला भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था, और ये वाला भी जो स्वेटर था ये भी 800 रुपये का ही रेट है, और ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है भाई, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पहनने आ गया स्पोर्ट्स वेयर, और यहाँ पे कुछ इस तरीके की जैकेट्स मिल रही हैं भाई 1000 रुपये की, बट इतना कुछ इसका स्टफ़ भाई बहुत पतला था, कुछ खास मेरे को लगा नहीं। बाकी अगर ऐसा लेना चाहते हो तो 300 रुपये के अंदर आप लोगों को यहाँ पे शर्ट्स वगैरह मिल रही हैं, और 200 रुपये के अंदर भाई कुछ इस तरीके के ना ये आप लोगों को बरमूडे वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं शॉर्ट्स के अंदर। सो गाइज ये है फर्स्ट जो मैंने पहनी थी टी शर्ट ऑरेंज वाली, और इसका स्टफ़ काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था, और पहनने में भी यार काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर दूसरा मैंने पहना था नीचे जो जीन्स है मैंने आप लोगों को दिखाई थी, और ऊपर ये ब्लैक वाली अपनी जैकेट है, और इसका प्रिंट भी भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, फिटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। बाकी ये वाला स्वेटर मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं, थोड़ी दादाजी वाली फीलिंग आ रही थी इसमें। बाकी ये जो जॉगर्स है ना यार, ये 1000 रुपये का था, और भाई फुल स्ट्रेचेबल है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है यार। और ये वाली जो जीन्स थी ना, ये भी 999 की थी, और इसकी भी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा सही लगी मेरे को। तो बस ये सब मैंने बाय किया है, जैकेट लिया है मैंने, और मैंने एक अपनी जीन्स ली है, और एक मैंने ली थी टी शर्ट। तो इस तरीके का था अपना जूडियो का टूर, कैसा लगा आप लोगों को भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अपनी 2400 रुपये की हो गई है बिलिंग, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।